हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब सीरम इंस्टीट्यूट भी बनाएगा स्पुतनिक वी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए मांगी अनुमति। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक और हथियार का निर्माण करने वाला है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी के उत्पादन की अनुमति मांगने के लिए भारत के औषधि महामंत्री DCGI को आवेदन दिया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि पुणे स्थित कंपनी ने जांच विश्लेषण और परीक्षण के लिए भी मंजूरी मांगी है। इस समय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है। अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो देश में वैक्सीन के प्रोडक्शन में और तेजी आएगी। फिलहाल स्पुतनिक वी की 30 लाख खुराक की खेप मंगलवार को हैदराबाद पहुंची थी। एक सूत्र ने बताया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के औषधि महामंत्री को बुधवार को एक आवेदन दिया जिसमें कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी के भारत में निर्माण की अनुमति मांगी गई है। बता दें कि देश में फिलहाल कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी से टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले ही सरकार को बता चुका है कि वो जून में 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकों का उत्पादन और आपूर्ति करेगा। वो नोवावैक्स टीका भी बना रहा है। नोवावैक्स के लिए अमेरिका से नियामक संबंधी मंजूरी अभी नहीं मिली है। DCGI ने अप्रैल में इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने टीके से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों से कानूनी सुरक्षा मांगी है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत सरकार फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को इस तरह का संरक्षण दे सकती है। दरअसल भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कई विदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ करार किया है। हालांकि एक कानूनी मसले को लेकर पेच फंसा हुआ सा लग रहा था। अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने भारत सरकार से मांग की थी कि वो उनकी कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल से जुड़े किसी भी दावे से उसे कानूनी सुरक्षा दे। खबरों के मुताबिक भारत सरकार भी इस पर तैयार हो गई थी। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने भी अपने टीके को लेकर इसी तरह की सुरक्षा की मांग की है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।